जैसा कि आप सभी को पता है कि वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए वोटर आईडी कार्ड का एक नया वेबसाइट लॉन्च हो गया है, और कोई भी वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड अगर काम हो तो आप उसी वेबसाइट पे करेंगे। चाहे आपको वोटर आईडी कार्ड नया बनाना हो, या फिर करेक्शन के लिए अप्लाई करना हो, या फिर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक करना हो, या फिर डाउनलोड करना हो, ये सारा काम आप उसी वेबसाइट पे करेंगे। तो वोटर आईडी कार्ड का जो वेबसाइट है उस पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप उसमें लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके उसके बाद ही आप वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वोटर आईडी कार्ड के वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे लॉगिन किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूँ आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड के वेबसाइट पे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और सर्च में यहाँ आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। जब इस पेज पे आप आएंगे तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारा इसमें सर्विस दिया गया है। इनमें से आप किसी भी सर्विस को एक्सेस करना चाहेंगे तो अभी नॉर्मल आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए हमें नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, तो यहाँ पे फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन वाला पेज आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी सर्विस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो भी लॉगिन वाला खुलेगा। यानी यहाँ पर किसी भी सर्विस को हमें यूज करने के लिए हमें लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहां साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यही इस चीज वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे साइन अप करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें लॉगिन करने के लिए यहां पे साइन अप करने के लिए आ गया। तो यहां पे सबसे पहले साइन अप करने के लिए यहां पे इंडियन रेसिडेंट ये आपको सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, आप कोई भी मोबाइल नंबर अपना टाइप कर सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी ऑप्शनल है, मतलब ईमेल आईडी आप चाहें तो टाइप करिए या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो ये कैप्चा लिखा है, कैप्चा टाइप करके और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, और उसके बाद लास्ट नेम, अपना सर नेम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बना लेना है, नया पासवर्ड। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। ये पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि लॉगिन करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इसी तरीके का, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का आपको यहां पे पासवर्ड बना लेना है, जिसमें एक कैपिटल अक्षर हो, बाकी स्मॉल हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो, ठीक है। तो यहां पे जो भी है आप पासवर्ड बना लीजिए, और कंफर्म पासवर्ड दोबारा से ये जो पासवर्ड इसमें टाइप करेंगे वही पासवर्ड यहां पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, यानी आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गया, यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल। यानी आप सक्सेसफुल जो है इसमें जो है साइन अप हो चुके हैं, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन वाले बटन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करते ही आपके सामने लॉग इन वाला पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर और जो अभी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड टाइप करना है, और ये जो कैप्चा लिखा है कैप्चा टाइप करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा। ओटीपी टाइप करके आप वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तब आप इस वेबसाइट में जो है लॉगिन हो जाएंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने होम पेज आ जाएगा। सेम वही वेबसाइट यहाँ ओपन हुआ है। अब आप किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, लॉगआउट लिखा होगा, प्रोफाइल लिखा होगा और
चेंज पासवर्ड लिखा होगा। तो अब आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं, अब आप नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सीधे होम पेज पे आ जाएंगे। ट्रैक करना है एप्लीकेशन को तो इस पर क्लिक कीजिए, ट्रैक एप्लीकेशन के लिए खुल जाएगा यहाँ पे। फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो हम होम पेज पे आ जाएंगे। यानी अब आप किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है वोटर आईडी कार्ड को तो ईपिक डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। ये समझ रहे हैं फ्रेंड्स? यानी आप लॉगिन एक बार कर लिए, उसके बाद अब आप किसी भी सर्विस को यहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूं, यहां पे लॉग आउट कर देता हूं, यस कर देता हूं, तो इस वेबसाइट से हम बाहर निकल गए। अब फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा तब हम इसमें लॉगिन हो पाएंगे। मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूं। यहां पर हम टाइप करते हैं voters.eci.gov.in, टाइप करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपके सामने ये वेबसाइट जो है ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये लोडिंग लिख रहा है। ये वेबसाइट जब ओपन होगा तो आपको जो है अब दोबारा इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड और ये जो कैप्चा लिखा है कैप्चा डाल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करके और दोबारा से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल तब तब ओटीपी सेंड किया जाएगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है इस वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे लॉगिन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।